بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَلَوَاتٌ اللهم صل على محمد وعلى محمد अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत जिंदाबाद सलावात पर मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन मोहतरम, आज जिस इमाम की विलादत की रात है, माशाल्लाह उनका नाम अली और कुनियत अबुल हसन है। अगर हम कुतुब अहादीस में देखें तो अबुल हसन की वो कुनियत है जो हमारे चार इमामों की कुनियत है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिसकी हर रोज ज़ियारत का आपको और मुझको शरफ हासिल होता है और आप बाबुल किबला पे देखते हैं, यही जुमला दर्ज है, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन। अबुल हसन कुनियत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। दूसरे हमारे इमाम जिनकी कुनियत अबुल हसन है वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। तीसरी हस्ती जिनकी कुनियत अबुल हसन है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। और वो चौथी हस्ती जिसकी कुनियत अबुल हसन है वो हमारे यही इमाम जिनका आज जश्न मनाने हम इकट्ठे हुए हैं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की कुनियत भी अबुल हसन है। खुशनुदिए चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावा। चूंकि हम सब तालिबे इल्म हैं तो मैं एक तालिब इल्माना नुक्ता आपकी खिदमत में बयान करने लगा हूँ। जब भी रवायात में अबुल हसन मुतलक जिक्र हो, बगैर किसी कैद के जिक्र हो, तो उससे मुराद उस रवायत में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की जात होती है। और जब अबुल हसन ने अव्वल इस्तेमाल हो रवायत में, उससे मुराद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जात होती है। और जब भी अबुल हसन सानी इस्तेमाल हो तो उससे मकसूद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम होते हैं। और जब भी रवायात में अबुल हसन सालिस इस्तेमाल हो तो उससे मकसूद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की जात होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह,
मदीना से 3 मील दूर एक जमीन का टुकड़ा था। जब ये जमीन का टुकड़ा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मिला, बेआबाद टुकड़ा था। जमाना गुजरता गया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहलत हुई, ये टुकड़ा जमीन का जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत में आ गया। मदीना से 3 मील दूर जहां पे ये टुकड़ा था, उस इलाके का नाम तारीख ने सिरया लिखा है। स्वाद कसरा रा और या अलिफ या सिरया। ये टुकड़ा जो इस वक्त जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत थी, ये बाद में हर इमाम अलैहिस्सलाम की विरासत में मुंतकिल होता रहा। जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का जमाना आया, ये टुकड़ा इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की मिल्कियत में आया और मौला ने इस टुकड़े अर्ज को आबाद किया। यहां मौला फसल को उगाया करते थे, यहां पर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने भी रिहायश इख्तियार की। इमाम रजा अलैहिस्सलाम भी कुछ अरसा यहां पर रहे, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम भी रहे और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत इसी टुकड़े अर्ज पे हुई। ये टुकड़ा किस किस्म का टुकड़ा था, इसकी अहमियत आपकी खिदमत में बताना मकसूद है। जब भी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का बहुत ज्यादा चाहने वाला आपकी खिदमत में आया करता, तो इमाम अलैहिस्सलाम उसे इसी जमीन से बनी हुई किसी चीज का तोहफा अता करते थे। एक औरत है, इमाम अलैहिस्सलाम की बहुत चाहने वाली है, किरदार वैसा है जैसे इमामत चाहती है। तारीख ने नाम शतीता लिखा है। इसके इलाके के कुछ लोग इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ रहे हैं। इसने अपने खुम्स के कुछ पैसे और कुछ कपड़ों के टुकड़े इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजे। इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो सहाबी लेके आया, उसने इस शतीता का भी ये अतिया तोहफा इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। मौला ने अपने एक गुलाम को बुलाया और कहा कि मेरा वो कफन लेके आओ जिसको हमने खुद अपने लिए तैयार किया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी के सामने अपना कफन खोला और कहा कि सबसे पहले जब तुम शतीता के पास जाना तो उसे कहना तुझे इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम सलाम कह रहे हैं। देखो, हम आजकल जिस इमाम की बारगाह में जाते हैं, हम ये सआदत समझते हैं कि हम ज़ियारत इमाम की बारगाह में पढ़ें। अगर जा नहीं सकते तो नमाज के बाद जरूर पढ़ें। हम सलाम करना अपने लिए एजाज और इफ्तिखार समझते हैं, मगर अल्लाह जाने शतीता की क्या अजमत होगी जिस पर खुद हमारे साथ में इमाम सलाम भेज रहे हैं। ये जुमला तारीख का मारूफ जुमला है, मगर अल मौसुआ अल कुबरा अन फातिमा जहरा इस्माइल जंजानी खुआनी अंसारी का 25 जिल्दों पे ये मौसुआ मुश्तमिल है। इन्होंने एक टुकड़ा इजाफी लिखा है। वो कहते हैं, मौला
जब इस शतीता के लिए वो कफन देने लगे तो एक जुमला कहा, कहा शतीता इस कफन को आम कफन न समझना, ठीक है तुझे इमाम दे रहा है मगर मैं तुम्हें एक और नुक्ता बताना चाहता हूं, ये कफन मेरा कफन नहीं है बल्कि हमारी दादी जहरा कपास का जो बीज अपने हाथों से बोया करती थी उस बीज में से मैंने एक बीज बोया, उससे कपास उगी और उस कपास से मैंने अपने लिए कफन को सिया और वही कफन मैं आपकी खिदमत में भेज रहा हूं। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वजह भी बयान की कि हमारी दादी जहरा क्यों अपने हाथों से कपास को बोया करती थी, कहा इसलिए हमारी दादी ये चाहती थी कि अपने बेटों का कफन अपने हाथों से बना के जाए। बस कोशिश तो करती रही मगर हुसैन को कफन न मिल सका। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये कफन दिया और शतीता के पास पहुंच गया। तो बस बताना मकसूद ये था कि ये वो टुकड़ा था जहां पर इमाम अलैहिस्सलाम उस बीज को बोया करते थे जिस बीज को जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा अपने हाथों से बोया करती थी। इसी मकाम सिरिया पे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। बाज मुअर्रखीन ने लिखा है 19 साल, बाज ने 21 साल, बाज ने 18 साल का अरसा लिखा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का ये अरसा मदीना मुनव्वरा में गुजारा। और फिर मुतवक्किल मलऊन ने उस वक्त मदीना के हाकिम की शिकायत पर इमाम अलैहिस्सलाम को सामर्रा बुलाया। हम अक्सर दुआए इमाम जमाना अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं जिसको दुआए सलामती इमाम जमाना भी कहा जाता है, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीये कल हुज्जत। ये दुआ दर हकीकत मांगने का फलसफा ये है कि हम इमाम अलैहिस्सलाम की सलामती के लिए दुआ करते हैं। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूंगा, अगर हुज्जत खुदा की सलामती के लिए दुआ की जाए तो उसका सिला क्या मिलता है। इस मौजू पे मैं बहुत सोचा करता था कि आखिर इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया है, तो इसका जवाब मुझे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बाब में मिला। इस्फहान का एक शख्स है, तारीख ने नाम अब्दुर्रहमान लिखा है और किस्मत ऐसी इसकी, गुर्बत ने इसको घेरे में लिए हुए था, न खाने के लिए था न पीने के लिए था, बस जिंदगी गुजर रही थी वरना दुनिया की ऐश व इशरत इसे मुयस्सर नहीं थी। इसने इसके अहले इलाका ने सोचा, उस वक्त हुकूमत थी मुतवक्किल की, दारुल खिलाफा सामर्रा था, कि हम मुतवक्किल के पास जाते हैं, बादशाहों के सामने कुछ अशआर पढ़ेंगे और उनसे कुछ रोजी रोजगार और कुछ पैसे लेके वापस आ जाएंगे। ये सोच के ये निकले, मुतवक्किल के दरवाजे पे पहुंचते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है कि मैं मुहिब्बे अहल बैत नहीं था, मेरा ताल्लुक अब्बासी खुलफा की मोहब्बत में दम भरना था। कहा मैं जब मुतवक्किल के दरबार के दरवाजे पे पहुंचा, अचानक ऐलान हुआ अली बिन मोहम्मद को हाजिर किया जाए। खुदाम
ये ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मुतवक्किल का हुक्म आया है कि अली बिन मोहम्मद को पेश किया जाए, उन्हें दरबार में कत्ल करना है। कहा मैंने अपने साथियों से पूछा, ये शख्सियत कौन है जिसके कत्ल का हुक्म दिया जा रहा है? कहा कि ये अलवी हैं, औलाद जहरा हैं और राफजी इनको अपना इमाम मानते हैं। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं इंतजार में खड़ा हो गया कि देखूं ये अलवी कैसे नजर आता है। कहा मैंने देखा जो दरबार का दरवाजा था उसके दोनों तरफ लोगों की सफें बनी हुई थी, सब लोग मुंतजर हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम कब तशरीफ लाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार होके दरबार के दरवाजे पे पहुंचे। ये अब्दुर्रहमान कहते हैं जू ही मेरी निगाह इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे पड़ी, अचानक मेरे दिल में इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैवस्त हो गई। अब वो ऐलान तो सुन चुका था कि इमाम अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म आ गया है, अब इसने दिल में दुआ मांगना शुरू की, या अल्लाह इनको मुतवक्किल के शर से बचा, या अल्लाह इनको मुतवक्किल के शर से बचा, इन्हें सलामती अता फरमा। कहा मैं मुसलसल ये दुआ मांग रहा था, जितने लोग सफ बना के खड़े थे वो इमाम की तरफ देख रहे थे, इमाम मेरी तरफ देख रहे थे। नारे हैदरी। कहा मैं मुसलसल ये दुआ करता रहा, इमाम मुसलसल मुझे देखते रहे, लोगों की तड़प थी और औलाद अली ये इमाम हमारी तरफ देखें, मगर इमाम ने न दाएं देखा न बाएं देखा, मुसलसल इमाम की नजरें मेरे चेहरे की तरफ हैं। कहते इमाम अलैहिस्सलाम का घोड़ा चल रहा है, चलते 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 जब इमाम का घोड़ा मेरे सामने आया, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े को रोका। मैं दुआ आहिस्ता आहिस्ता मांग रहा था, इमाम ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। बात जहां तक होती तो ठीक है, मगर तारीख ने तीन जुमले और लिखे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुर्रहमान तुमने मेरे लिए एक दुआ की है, मैं औलाद जहरा होके तेरे लिए तीन दुआएं करता हूं। ये गरीब था, खाने को कुछ नहीं था, औलाद इसकी नहीं थी। सलावात पर मुहम्मद व आलिही। गरीब था, माल वगैरह इसके पास नहीं था, औलाद इसकी नहीं थी, और आप जानते हैं जिस गरीब के पास खाने को कुछ ना हो उसकी जिंदगी कितनी तवील होगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने पहला जुमला फरमाया तव्वलल्लाहु उम्रक, तुझे मैं इमाम हो के दुआ दे रहा हूँ अल्लाह तुम्हारी उम्र को तवील करे। दूसरी दुआ इमाम अलैहिस्सलाम ने दी, तू सारी जिंदगी फक्र में मुब्तला रहा है, मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूँ अल्लाह तुझे वसी रिज़्क अता फरमाए। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू औलाद को तरसता है, मैंने अल्लाह से दुआ की है अल्लाह ने तुझे 10 बेटे अता किए। कहते हैं कि इमाम और मेरे दरमियान ये गुफ्तगू हुई, मैंने इन बातों को सीने में छुपाया। इमाम अलैहिस्सलाम दरबार में गए, वापस आ गए, हमने सामर्रा को छोड़ा, इस्फहान आ गए। रावी ने पूछा सुना अब क्या हाल है? कहा मैं एक बेटे के लिए तरसता था, अल्लाह ने मुझे 10 बेटे अता किए। मुझे अपनी जिंदगी के तुलानी होने की कोई उम्मीद नहीं थी, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मेरी जिंदगी और मेरी सेहत सही और सलामत है। और अगला जुमला इरशाद फरमाया कहा अल्लाह ने मुझे इस मासूम इमाम के सदके इतना माल अता किया है
कि जो माल मेरे पास है, मेरी हवेलियों में है, जब मैं उसका दरवाजा बंद करता हूं तो उस माल की कीमत 1,000,000 दिरहम है। और इसके अलावा जो बाहर मेरा माल है वो शुमार में भी नहीं है। तो ये जब भी आप किसी इमाम की सलामती की दुआ करते हैं, आप एक दुआ करते हैं, इमाम आपके लिए कम से कम 3 दुआएं करता है। नारे हैदरी। अब्दुल रहमान जब इमाम से दुआएं ले रहा था तो फौरन इमाम की इमामत का कायल हो गया, बाकी जितनी जिंदगी गुजारी आले मोहम्मद की मोहब्बत में गुजारी। और अगर हम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की अजमत को देखें तो इस सिलसिले में बहुत से वाकयात भरे पड़े हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम के फरामीन को देखें तो एक चीज जो मैंने इमाम अलैहिस्सलाम के फरामीन में देखी, वो जो कसरत से बयान हुई है, वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब जहरा के फजाइल बयान हुए हैं। अगर आप रवायात में जाएं तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलत की रवायात अबुल हसन सादिक से मरवी है। इनमें से एक रवायत जो मैं आपकी खिदमत में बयान करने लगा हूँ, قال ابو الحسن ثالث امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے جد امجد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں حرمت النار علی من احب علی و تولاه جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس پہ جہنم کو حرام کرا دیا۔ اور پھر فرمایا وَلَّعَنَ اللَّهُ مَنْ مَارَ عَلِيًّا وَنَاوَا جس نے علی سے دشمنی کی اللہ اس پہ ہمیشہ لعنت کرے۔ اور پھر تیسرا فرمان امام علیہ السلام نے بیان فرمایا یا علی خَلَقَنِ اللَّهُ وَأَنْتَ مِنْ نُورِ یا علی اللہ نے جب میرا نور خلق کیا تو اس وقت اس نور کا جز آپ بھی تھے۔ ہین خالق آدم فافرغ ذلک النور فی صلبہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو ان کے صلب میں ہمارا یہ نور رکھ دیا، ان کی پیشانی کی زینت ہمارے نور کو قرار دیا۔ اور پھر فرمایا فافضا به الی عبد المطلب جب جناب عبد المطلب کا زمانہ آیا تو یہ نور منتقل ہوتے ہوتے جناب عبد المطلب کی پیشانی کی زینت بنا۔ ثم افترق من عبد المطلب فصرت انا فی عبد اللہ وانت فی ابی طالب اور جناب عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، میرا نور میرے بابا عبداللہ کی پیشانی کی زینت بنا، آپ کا نور میرے چچا ابو طالب کی پیشانی کی زینت بنا۔ اور پھر فرمایا لا تصلح النبوة الا لي امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے جد امجد نے فرمایا نبوت کے اہل، نبوت کا اہل فقط میں ہوں اور وصی ہونے کے اہل یا امیر المومنین فقط آپ ہیں۔ اور پھر فرمایا فمن جہد وصیتک جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا جہد نبوتی اس نے گویا میری نبوت کا انکار کیا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ جَحَدَ نَبُوَّتِ اَقَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ خَرِهِ فِي النَّارِ اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا پھر وہ یاد رکھے اللہ اسے اوندے بو جہنم میں بھیجے گا۔ اور پھر ایک بہت ہی عظیم الشان روایت امام علی نقی علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں بیان فرمائی اور آپ یقیناً لطف لیں گے۔ جناب
जाबिर से रवायत की है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने, और जनाब जाबिर फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, एक तरफ रसूल के अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम बैठे हैं और दूसरी जानिब मैं जाबिर बैठा हूं। कहा गुफ्तगू हो रही है, इस गुफ्तगू के दौरान अचानक एक आदमी आया, अब मैं इशारा करूंगा आपने समझना है, ये आदमी आया, एक आदमी का गरेबान पकड़ा हुआ है, गरेबान पकड़ के रसूल की बारगाह में आया। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हो गया है भाई तुझे, इस तरह क्यों इसको लेके आ रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसने आपकी तरफ एक हदीस मंसूब की है जिससे मुझे खौफ है लोग बेअमल ना हो जाएं। कहा क्या हदीस बयान की है? कहा इसने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दे उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह के रसूल आपने ऐसा फरमाया है? तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, लेकिन इसकी एक शर्त है। तकदीर ये चाहती थी कि माहौल बन जाए, ये वाकिया हो जाए और इस साहिब को ये बात क़यामत तक याद रहे। अब दो बातें तो ये सुन चुका, अब आपको माहौल तो याद है मस्जिद नबवी का, एक जाने बैठे हैं जनाब जाबिर, दूसरी जाने बैठे हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रावी कहता है अब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हाँ ये हदीस मैंने बयान की है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अब इशारा किया रसूल ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ और फरमाया जो आदमी ये दो कलमे कहे और वो मोहब्बत करे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से तब उस पे जन्नत वाजिब। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर कशी की ताकि इसको कयामत तक याद रहे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है। फिर अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि इमाम अलैहिस्सलाम से क्या मौजजात सरजद हुए, तो तारीख ने बेबहा मौजजात लिखे हैं। इनमें से मैं एक मौजज़ा आपकी खिदमत में बयान करूंगा। हम सामर्रा जाते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक के अलावा तीन मकामात सामर्रा में मुतबर्रिक मकामात हैं, और उनके मुतबर्रिक होने की वजह यह है वो जमीन के वो टुकड़े हैं जिन टुकड़ों को इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बदन ने मस किया है। इस वजह से ये टुकड़े मुतबर्रिक तरीन टुकड़े हैं इमाम अलैहिस्सलाम की जरिए मुबारक के अलावा। उनमें से पहला टुकड़ा वो मकाम है जहां पर एक शेरों का वाकया हुआ, और ये मकाम आज भी सामर्रा में मौजूद है। और दूसरा मकाम इमाम अलैहिस्सलाम का कैदखाना है, और तीसरा मकाम तिल्लुल अलीज है। इनकी मुख्तसर वजाहत मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा, आप एक सलावात पढ़ें। इमाम अलैहिस्सलाम इतने रऊफ इमाम हैं, अगर आप इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें
तो आप दंग और हैरान रह जाएंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने बदतरीन दुश्मनों पे भी कैसे एहसानात किया करते थे। मुतवक्किल बदबख्तरीन और आल बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनी के एतबार से बदतरीन इंसान था। ये बीमार हुआ, अब सुने इमाम अलैहिस्सलाम की शफकत कितनी है। ये बीमार हुआ, ठीक नहीं हो रहा था, इसकी मां ने मन्नत मान ली, या अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं अपनी इस्तेताद के मुताबिक कुछ माल इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजूंगी। उसकी मां ने एक वजीर को मदीना भेजा, इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे इलाज बताया, इलाज किया गया, मुतवक्किल ठीक हो गया। उसने पैसे भेजे, इमाम अलैहिस्सलाम नहीं ले रहे थे, वो जबरदस्ती दे के चले गए। इतने एहसान के बावजूद कुछ दिनों के बाद इसी मुतवक्किल ने इमाम अलैहिस्सलाम के घर अपने फौजियों को भेजा, जो बगैर इजाजत इमाम अलैहिस्सलाम के घर दाखिल हुए। इस जसारत के करने के बाद अब वाकया आपकी खिदमत में बयान करने लगा। ये मुतवक्किल चाहता था कि इमाम अलैहिस्सलाम की अजमत लोगों के दिलों में बढ़ने लगी है, किसी तरह से इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाए। उसने दरिंदे मंगवाए अपने महल में, और बाज ने उन दरिंदों की तादाद 3 लिखी है और बाज मुअर्रिखीन ने इससे ज्यादा लिखी है। उनको भूखा प्यासा रखा गया और इन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। जब इमाम अलैहिस्सलाम उस मकाम पे पहुंचे जिस मकाम पे ये शेर और दरिंदे थे, उधर से इनके सिपाहियों ने महल का दरवाजा बंद कर दिया। महल की बुलंदी पे मुतवक्किल देख रहा है, जो इन शेरों ने देखा, ये रवायत के जुमले हैं, मैं बगैर किसी तसर्रुफ के जुमला बयान करने लगा हूं। शेरों ने इमाम अलैहिस्सलाम को जू ही देखा, ऐसे तवाफ करने लगे जैसे हाजी काबा का तवाफ। हाजी फकत तवाफ करता है, मगर इन शेरों ने क्या किया, कभी एक शेर आता है इमाम के पांव का बोसा लेता है, कभी दूसरा शेर आता है इमाम के पांव का बोसा लेता है, कभी तीसरा शेर आता है इमाम के पांव का बोसा लेता है। उधर अल्लाह की रहमत को जलाल आया और शेरों पर इमाम अलैहिस्सलाम दस्त शफकत फेरने लगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, उधर चले गए जहां पर मुतवक्किल बैठा था। कुछ देर गुफ्तगू की, इमाम तो जहन में पैदा होने वाले ख्यालात को जहन में आने से पहले जानते हैं ना। अब इमाम अलैहिस्सलाम कुछ देर बैठे, फिर उस मकाम पे आ गए जहां पे शेर खड़े थे, फिर शेरों ने वही अमल दोहराया, इमाम अलैहिस्सलाम का तवाफ करने लगे, इमाम अलैहिस्सलाम के पांव का बोसा लेने लगे, इमाम अलैहिस्सलाम दस्त शफकत फेरने लगे, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम वापस मुतवक्किल के पास आए। अब जो बादशाहों के करीबी लोग होते हैं वो चुप रहे तो चुप रहते हैं, मगर कभी कभी ऐसा जुमला कहते हैं जिससे बादशाहतें शर्मिंदा हो जाती हैं। तो एक नौकर चाकर बैठा था और उसने कहा कि मुतवक्किल, आप इस अलवी को इब्ने आम कहते हो, जैसे ये शेरों की तरफ गए हैं, शेरों के पास गए हैं, जरा तुम भी जुरत करो ना शेरों के पास। खुदा तारीख ने मुतवक्किल का ये जुमला लिखा है कि इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अंतुम दूरी दू ना कतली, तुम मेरे कत्ल को चाहते हो। हाय हाय,
मक्का में मुतबर्रिक मकाम है उसको कहते हैं तिल्ले अली। अगर रवायात में देखें तो इसको तिल्ले मिखलात कहा गया है, और आजकल इन इराकियों की अपनी जबान में इसको मुलाहजा करें तो वो इसको तिल्ले अलीज कहते हैं। अलीज जम्मा है अलीजा की, अलीजा की जम्मा अलीज, और तिल कहते हैं कि अगर रेत बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए और रेत का पहाड़ बन जाए तो उसको कहते हैं तिल यानी टीला। मुतवक्किल ने ये टीला बनाया था, कैसे बनाया था, इसने अपने 90,000 फौजियों को बुलाया, और ये जो अलीजा होता है ये वो थैला नुमा एक थैला होता है जो घोड़ों की गिजा उसमें डाली जाती है और घोड़े उस थैले में अपनी गिजा खाते हैं, इसको कहते हैं अलीजा, और इस अलीजा की जमा है अलीज। तो इसने मुतवक्किल ने अपने सिपाहियों को बुलाया, तादाद 90,000 थी, कहा आओ आप एक ये घोड़े का थैला मट्टी से भरो और इस जगह पे डाल दीजिए। ये आए डालते गए, कुछ देर गुजरी थी कि तकरीबन 120 मीटर ऊंचा ये तिल बन गया। माशाल्लाह, जब ये तिल 120 मीटर ऊंचा बना तो अब इसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा अब देख रहे हैं मेरी कितनी फौज है, पल भर में इसने रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ये इमाम अलैहिस्सलाम को धमकाना चाहता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने अपनी फौज दिखा दी है, अब मैं तुझे अपनी फौज दिखाऊं। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी दो उंगलियों को बुलंद किया, कहा मुतवक्किल देखो मेरी फौज कितनी है। मुतवक्किल ने देखा जमीन और आसमान मलाइका से पुर था और हर एक के हाथ में आग के शोले और आग के खंजर मौजूद थे। अब मुतवक्किल खड़ा ना हो सका, फौरन बेहोश हो गया। जब होश में लाया गया तो इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया परेशान ना हो, ये हमने आपके लिए नहीं रखी। याद रखना इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम को और इमाम अली नकी अलैहि सलाम को, अस्करी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इमाम अली नकी अलैहि सलाम ने इसको अपनी फौज दिखाई थी। अस्करी इस वजह से नहीं कहा जाता कि इस जगह मुतवक्किल की फौज मौजूद थी, मगर क्योंकि तहरीफ हो गई है, कातिब उनके थे, हकूमत उनकी थी, तो बात उधर फेर दी गई है। और ये जो टीला था ये आज